तो इस वक्त एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने एक बार फिर दोहराया है कि वो हमास के साथ युद्ध में इसराइल के साथ लगातार खड़ा है और इस तरह से लगातार वो मदद के लिए भी तैयार है। हर तरह की मदद अमेरिका प्रदान करेगा इसराइल को। तो अमेरिका ने पहले ही एक युद्धपोत जिसमें F-35 लड़ाकू विमान शामिल है वो इसराइल की मदद के लिए भेजा है और अब खुल करके अमेरिका की तरफ से इसराइल की मदद के लिए जो अमेरिका ने हाथ बढ़ाया है उसको सामने रखी गई बातों को बड़ी खबर। अमेरिका ने एक बार फिर से ये दोहराया कि वो हमास के साथ युद्ध में इसराइल के साथ खड़ा है और हर तरह की मदद देने को इसराइल को तैयार है और इसी क्रम में अमेरिका ने पहले ही एक युद्धपोत जिसमें F-35 लड़ाकू विमान शामिल है वो इसराइल की मदद के लिए भेजा है। हालांकि अमेरिका लगातार इसराइल की मदद कर रहा है, ऐसे में हमास की तरफ से यह कहा गया है कि जो युद्धपोत भेजे जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से उससे डरने वाला नहीं है हमास। बड़े अपडेट आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़े अपडेट इस वक्त आपके सामने, गाजा में मौत का जो आंकड़ा है 500 हो चुका है और इसके अलावा हमास का दावा 100 से ज्यादा अभी तक बंधक बनाए जा चुके हैं। इसराइल का दावा है कि 800 प्लस ठिकाने अभी तक ध्वस्त किए जा चुके हैं। इसराइल के दक्षिण बॉर्डर पर संघर्ष लगातार जारी है। तो ये बड़े अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका के 9 नागरिकों की मौत की जानकारी मिल रही है, अमेरिका ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। नेपाल के 10, थाईलैंड के 12 छात्रों की भी मौत हुई है। यूक्रेन फ्रांस के 2-2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। हमास ने बंधकों की हत्या की भी धमकी दे दी है कि अगर इसराइल की तरफ से ऐसी ही कार्रवाई होती रही तो बंधकों को मार दिया जाएगा।